अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर इरफान है और हम इस वक्त ब्रांड मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक लाइव सेशन करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी, पर अगर कोई डिस्टॉर्शन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप ये भी बताइए। रिटर्न में जो चैट चल रही है नीचे उसमें मुझे बताइए, ठीक हो गया? अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आप चीज़ों को थोड़ा सा समझ लें, ठीक है? और फिर जो उसके रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होगी उसको हम फिर आपस में डिस्कस कर लेंगे। तो इज इट एवरीथिंग ओके विद इट? देयर इज नो प्रॉब्लम इन वॉइस? बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। आर यू लिसनिंग मी? ओके फाइन, थैंक यू फैजल। अच्छा, हमने अभी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूंगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दीज डेज जो इस वक्त है एंटरप्रेन्योर में वो है आपकी आइडिया, ठीक है? लोगों के पास इन्वेस्टर्स बेतहाशा है, बैंक्स आपको फाइनेंस कर देते हैं, लेकिन वो सबसे पहले आपसे कहते हैं कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है। तो सबसे पहले तो क्रिएटिविटी ये है कि आपके पास एक बिल्कुल डिफाइंड वेल क्राफ्टेड बिजनेस आइडिया हो और उसकी प्रपोजिशंस हो कि आपने करना क्या है। वो आइडिया अगर क्रिएटिव हो तो वो ज़्यादा जल्दी कामयाब हो जाता है, और अगर वो पहले से ही चल रहा हो वो आइडिया उसके ऊपर आप काम करने जा रहे हो वो भी इक्वली गुड है, ठीक है? एंटरप्रेन्योर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज योर क्रिएटिविटी, योर स्किल्स, आप अपने आइडियाज को कमर्शलाइज कैसे करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जो आपके आइडियाज होते हैं उसको अगर वो कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है तो वो हम एंटरप्रेन्योरल डोमेन कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई ऐसा आइडिया है जिसके अंदर कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है, वो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी नहीं है, वो अभी तो चल रहा है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। मैं आपको उसकी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे फर्ज के लीजिए कि PLS के वो हो रहे थे, क्रिकेट मैच हो रहे थे। अच्छा, अब क्रिकेट मैच के अंदर मैंने जनाब कहा कि मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है कि मैं वहाँ पर फेस पेंटिंग का एक आउटलेट लगा लेता हूँ और बच्चों के और बड़ों के चेहरे के ऊपर मैं वो फ्लैग और उनके वो जो साइंस हैं वो मैं बनाऊँगा, ठीक है? उसके पैसे चल इससे बिजनेस आइडिया, बट नॉट सस्टेनेबल। सस्टेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभी तो क्रिकेट मैच खत्म होएगा तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? तो सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक हो गया? तो हमने इसको जरूर कंसिडर करना है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, पता नहीं क्यों नहीं आ रही सबको, बाकी तो आवाज जा रही, तो मेरे पास भी शो हो रही है कि आवाज जा रही है। अच्छा, तो ये कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि जब आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल लेकर आते हैं जिसके अंदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होते हैं और वो आप बनाते हैं, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप में कंसिडर करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर बिजनेस मॉडल शुड बी वायबल, वर्केबल, और उसमें एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का एक एलिमेंट लाजमी होना चाहिए। अच्छा, ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है, ये हमारे पास नए बच्चे भी ऐड हो गए, शाहजेब, शुएब, मतीन, ये लोग सभी आ गए। अच्छा चलिए, वेरी गुड। ओके, तो अभी हम लोग जो चीजें एंटरप्रेन्योरशिप के हद तक देखेंगे वो ये देखेंगे कि आपके क्रिएटिव आइडिया को हम कमर्शलाइज कैसे करें। आप सिर्फ इसको एज ए कोर्स ना लें, इसको हम प्रैक्टिकली करें, और प्रैक्टिकली हम ऐसे कर सकते हैं कि जब हम इसको प्रॉपरली एक्सरसाइज करें और जो कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर पढ़े हुए उसको हम हकीकत में करके भी देखें। आप सबसे पहले जो पेपर वर्क है वो आपका ये है फर्स्ट स्टेप कि आप एक बिजनेस आइडिया लेकर आए, आपने करना क्या है। नंबर दो, मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करें या आप नोट डाउन कर लें, जितने लोगों की आवाज आ रही है वो लिखें इसको,
सबसे पहले क्या है कि आपका बिजनेस क्या होना है, आपका आइडिया क्या है, द बिग आइडिया, द बिजनेस आइडिया, नंबर वन. नंबर टू कि वो आपने मार्केट गैप आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में पहले से वो काम हो तो नहीं रहा, अगर हो रहा है तो किस लेवल पर हो रहा है, और उसके अंदर आप क्या ऐसी इनोवेशन लेकर आ सकते हैं जिसकी वजह से आप बाकी कामों से खुद को डिफ्रेंशिएट कर सकें. नंबर तीन ये है कि आप उसका वर्किंग मॉडल बनाते हैं. वर्किंग मॉडल इस तरह से बनाते हैं कि आप ये देखते हैं कि मुझे इसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन से फंक्शंस मुझे परफॉर्म करने, मेरे ऑपरेशंस क्या होंगे, मुझे ह्यूमन रिसोर्स कैसे चाहिए और मुझे पैसे कितने चाहिए. इसका वर्किंग मॉडल होता है. फिर हम WBS करते हैं, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर. लिख रहे हैं आप सब लोग. वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर के अंदर हम जो बड़े बड़े हमारे टास्क होते हैं उनको तो छोटे छोटे और मजीद टास्क में डिवाइड करते हैं ताकि हमें उसको करवाने में, एक्सरसाइज करवाने में आसानी हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बनाने के लिए जा रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट उसमें एक चीज आ गई, सेलिंग उसमें दूसरी चीज आ गई, पर्सनल सेलिंग एक और चीज आ गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग अलग आ गई, अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अलग आ गई. तो इसको हम छोटे छोटे चंक्स एंड पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं. उसका फायदा ये होता है कि जब हम लोगों को हायर करते हैं तो हम वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर के अंदर से जो मिलती जुलती एक्टिविटीज होती है वो किसी एक बंदे को असाइन कर देते हैं, उसको कहते हैं आप उसको परफॉर्म करें. ठीक हो गया. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शंस करते हैं. स्ट्रेटजी क्या कि आपने इस काम को कैसे करना है, आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होगा, आपने कैसे खुद को दूसरों से डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद आपने उसको कमर्शलाइज कैसे करना है. उसकी कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं. प्रोजेक्शंस मतलब मुस्तकबिल के लिए कुछ आप सोच के रखते हैं कि मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट हो, मैं उसके अंदर ये काम करूँगा और ये करूँगी और उसके बाद मुझे इतना प्रॉफिट होगा, तो ये प्रॉफिट मेरा कितने अरसे तक चलेगा और कितने अरसे तक मैं इस परसेंटेज पर हूँ, उसके बाद मैं परसेंटेज को बढ़ा दूंगा और फिर मेरे. तो ये प्रोजेक्शंस होती है कि एक साल बाद, दो साल बाद, पांच साल बाद, दस साल बाद हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर. तो ये बिजनेस प्रोजेक्शंस होती हैं. और उसके बाद फिर हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नोन एज एग्जिट स्ट्रेटजी या कंटिजेंसी प्लान. अगर आपका पहला आइडिया चल गया, बहुत लकी है, बहुत लकी है, क्योंकि ओवर 70% ऑफ द बिजनेस आइडियाज गॉट फेल्ड इन फर्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ. जब अभी शुरू ही होता है तो वो साथ ही खत्म हो जाता है क्योंकि वो बिजनेस आइडिया वर्केबल नहीं होता. अगर आप अच्छे से ड्राफ्ट करें, अच्छी सी चीजों को कंसीव करें तो फिर आप बेहतर आइडिया बना सकते. अब आइडिया बन भी गया, आपने उसको एक्सरसाइज भी कर लिया, खुदा ना खास्ता वो वर्क नहीं कर सका, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक उसमें से चीजें नहीं निकल सकी, तो आप उसमें से निकलना कैसे. व्हाट इज द एग्जिट स्ट्रेटजी. सो दिस इज द लास्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपने उसमें से खुद को निकालना कैसे, कि आपको नुकसान कम से कम हो और आप उसमें से बाहर भी निकलना. ठीक हो गया. तो ये एंटरप्रेन्योर की टोटल समरी थी जो मैंने भी आप लोगों के साथ में शेयर की, और होप कि आपने उसको नोट डाउन भी किया होगा, लिखा भी होगा, सुना भी होगा और समझा भी होगा. अब आपके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है. अगर आप लोग अपनी कोई आइडियाज़ हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. अगर आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल से जो मैंने अभी डिस्कस किया है, कुछ टर्म्स आपके सामने मैंने यूज़ किए हैं तो उसको आप कर सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दूंगा उसका.
ठीक हो गया। फाइजा ने कहा है कि ब्रांड मैनेजमेंट फर्स्ट स्टेप फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस एंड सोशल लिस्टिंग टू फाइंड गैप्स। सर नो वॉइस। अच्छा ठीक हो गया। हाँ जी बिल्कुल। पहले मैं मोहम्मद का जवाब दे दूँ क्योंकि वो रेलिवेंट है एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें यूँ है कि आप बेशक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, सोशल लिसनिंग या जो हम मार्केटिंग इंटेलिजेंस कहते हैं जिस तरह की जितनी भी चीज़ें, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको मार्केट गैप्स का पता लगता है। अच्छा हमेशा मार्केट में बेशक सेम कैटेगरी की प्रोडक्ट हो उसके अंदर एक मार्केट गैप ज़रूर होता है। वो प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट समझ लें कि आप एक इंडस्ट्री के अंदर भी हो सकता है। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि गाड़ी जो है वो मुख्तलिफ चल रही होती हैं मगर उसमें कुछ महंगी गाड़ियाँ भी होती हैं, कुछ सस्ती गाड़ियाँ भी होती हैं। तो हर एक की अपनी अपनी मार्केट है, उन्होंने अपने अपने गैप्स को आइडेंटिफाई किया एंड दे आर सर्विंग द मार्केट व्हेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, इट हैज नो डिफरेंस। जी अपनी माइक को म्यूट कर लें प्लीज। जी तो ये हो गया, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है, अच्छा अब एक सवाल है जो फाइजर ने पूछा है कि ब्रांड मैनेजमेंट। अच्छा अभी मैं ब्रांड मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ कि वो क्या चीज़ है, फिर आपको ज़रा आइडिया हो जाए। ब्रांड मैनेजमेंट क्या होती है? ब्रांड एक ऐसे कलर, लोगो, साइन या नेम को कहते हैं कि जिसको आप बाकी चीज़ों से अलग आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। ये मैंने उर्दू में आपको डेफिनेशन बता दी। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बर्गर, कि जी बर्गर खाने हमें जाना है तो बर्गर कौन सा, तो यू हैव सो मेनी ब्रांड। जब मैं उसमें कहूँगा नहीं हमें मैकडोनल्ड जाना, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा मैकडोनल्ड्स क्या मुराद है, मैकडोनल्ड्स ये मुराद है, ठीक हो गया। तो ये मैकडोनल्ड्स है। मैकडोनल्ड क्या हुआ? एक ब्रांड हुआ जिस जो बेच तो बर्गर ही रहा है लेकिन उसने अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया है दूसरे ब्रांड्स के साथ, ठीक हो गया। अब वो उसकी आइडेंटिटी एक अलहदा हो गई और उसके अंदर आपको साफ पता लग गया नाम सुनते के साथ ही कि मैकडोनल्ड्स एक ब्रांड है और वहाँ पे बर्गर खाने जाते हैं। वरना रोड साइड पर आपने देखा होगा बेताशा बर्गर शॉप्स होती है, फास्ट फूड शॉप्स होती है, मगर उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, रिकग्नाइज नहीं कर सकते, उनकी रिकग्निशन ब्रांड से होती है। तो ब्रांड का बेसिक पर्पज ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट कर दे, देन पीपल कैन इजीली आइडेंटिफाई योर ब्रांड अमंग द क्लटर ऑफ अदर ब्रांड्स एज वेल, ठीक हो गया। तो इट्स अ साइन और इट कुड बी ए कलर, इट कुड बी ए लोगो और ए नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट, तो यू कैन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर companies who are offering the same product line, for example. ठीक है, so you have so many examples like Suzuki, if you are talking about automobile, Suzuki, Honda, Toyota, Hyundai, Audi and all of them. So and then they are all brands. ठीक है, तो इसको आप जरूर देखें कि अब आप सवाल पूछ सकती हैं फाइजा के, क्या आप ब्रांड के हवाले से आप क्या पूछना चाह रही थी? Kindly write it down and then let me know. ओके
मतीन सर, जिस तरह हमारी लोकल मार्केट है, लोग लोकल टिपिकल मार्केट को प्रेफर करते हैं। आवर मार्केट इज नॉट लाइक यूरोपियन मार्केट, ठीक है। सो इसको इशू को कैसे डील करें? अच्छा, वेरी गुड। ब्रांड के अंदर अगर आप आते हैं तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो बाहर के ब्रांड्स को खरीदें, लोकल ब्रांड्स को ना अच्छे अंदाज से वो लोग रिसीव करते हैं ना खरीदते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो समझते हैं कि इसका स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं होगा। इवन इफ द प्राइस इज हायर, देयर इज नो प्रॉब्लम, दे आर नॉट प्राइस सेंसिटिव। वो कहते हैं कि हम ज्यादा पैसे देकर भी हम बाहर के ब्रांड खरीदेंगे, हम लोकल ब्रांड नहीं खरीदेंगे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोकल ब्रांड्स इमर्ज हुए। मैं उसमें नाम आपको बताता हूँ कुछ, जो जो बहुत अच्छे ब्रांड बन के उभरे हैं। उसमें कि निशात है, निशात ले लें, आपको पता है कि पाकिस्तान में तो ब्रांड है ये, मगर ये अमेरिका में भी इसके आउटलेट्स हैं, यूरोप में भी इसके आउटलेट्स हैं, इंग्लैंड में भी इसकी है, यूके के और स्टेट्स में भी है। वहाँ पर हम निशात लीलन ही देखते हैं और वो बिकता है। अच्छा, अब निशात ने अपने आप को एक लोकल ब्रांड था, उसने अपने आप को रिकग्नाइज करवाया ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आजकल वो चल रहा है, ठीक हो गया। सेम इज द केस, आप देखिए लोकल ब्रांड्स के अंदर अगर आप जाती हैं तो आपने शायद नाम सुना होगा KFC का, ठीक है। KFC Kentucky Fried Chicken, ये अमेरिकन ब्रांड है और लोग उसको यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब एक और ब्रांड जो उसका काउंटरफीट बेसिकली प्रोडक्ट था, काउंटरफीट से मुराद ये होती है कि ऐसे ब्रांड नेम्स के जो ओरिजिनल से मिलते जुलते हो और वो उसका सिर्फ एडवांटेज लेते हो कि लोगों को नाम क्योंकि वो याद है तो हमारा भी याद हो जाएगा, तो KFC के बजाय वो एक BFC निकल आया था, BFC, ठीक है ना, बिलाल फ्राइड चिकन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उन BFC लाहौर के अंदर उन्होंने इतनी आउटलेट्स खोल दी हैं, तो पता नहीं बिलाल है या उसका क्या नाम है, लेकिन वो एक लोकल ब्रांड है और वो बेतहाशा सेल कर रहे हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी का चिकन, फ्राइड चिकन ही है। और उसके बाद उनकी डाइवर्सिटी है कि वो कड़ाई गोश्त भी बेच रहे हैं, वो सारा कुछ, तो वो एक लोकल ब्रांड है और बड़े मजे से चल रहा है और अच्छा चल रहा है। तो इसी तरह से आप वेयरिंग्स के अंदर आ जाए, अर्बन सोल इज लोकल ब्रांड, ठीक है, ये लोकल ब्रांड, JJ.J. जुनेद जमशेद वाला, मौलाना तारिक जमील वाला, आजकल नया, ये सारे लोकल ब्रांड है। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और चल रहे, लोग प्रेफर करते हैं अगर क्वालिटी अच्छी हो तो, ठीक है। तो लेकिन एक ब्रांड पर्सनैलिटी होती है, उस ब्रांड को आपने देखना होता है कि आपने उस ब्रांड पर्सनैलिटी को कैसे बनाया। आपके मेरे ख्याल कोर्स के अंदर ब्रांड प्रिज्म के नाम से एक कॉन्सेप्ट डाला होगा हमने, इसने उसमें यह था कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ब्रांड पर्सनैलिटी के साथ कैसे मैचअप करते हैं। तो जब आपको लगता है कि ये ब्रांड मुझे सूट करता है तो फिर आप उसके साथ लॉयल हो जाते हैं, देन यू गो फॉर द रिपीटेटिव परचेज। तो इसी तरह से लोकल मार्केट के अंदर आप अपना एक ब्रांड अच्छा बनाकर उसको बड़ी मार्केट में भी लेकर जा सकते हैं। मेट्रो मिलन अगरबत्ती आपको यहाँ पर भी मिलती है और बाहर भी मिलती है। नेशनल मसाला जात, ये पाकिस्तानी ब्रांड है मगर ये अमेरिका में बिकता है, यूरोप में बिकता है, मिडल ईस्ट में बिकता है और आपको हर जगह शेल्फ पे आपको नेशनल मसाला जरूर मिल जाएगा। टोटल वैरायटी, मुकम्मल रेंज, वो लोकल ब्रांड है। तो ये मैं आपको सारी एग्जांपल लोकल ब्रांड इसलिए दे रहा हूँ कि समटाइम्स दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, वो एक्सपोर्ट भी करना शुरू करते हैं, वहाँ पे आउटलेट्स भी बना देते हैं, उसके अंदर वो काम उनका चलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ब्रांड की खूबियाँ होती हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह से आपने देखा होगा मल्टी फॉर्म है, ड्यूरा फॉर्म है, ये सारे के सारे लोकल ब्रांड्स हैं, ये कोई इंटरनेशनल ब्रांड्स थोड़ी है। तो ये यहाँ पर भी चल रहे हैं, बाहर भी चल रहे हैं, एक्सपोर्ट भी होते हैं। ऐसे आइडियाज, अच्छा ये मोहम्मद शाहजे पूछ रहे हैं, ऐसे आइडिया सर, इन ब्रांड्स ने कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं जो इतनी फेम अच्छी की है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैंने स्टार्ट में आप लोगों को 2-5 स्टेप्स लिखवाए, तो वो स्टेप्स इन लोगों ने फॉलो किए स्ट्रिक्टली। और अगर आप भी अपना कोई ब्रांड रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं, इवन इफ यू आर वर्किंग ऑन सोशल मीडिया, कोई गर्ल्स आजकल करती हैं वीरिंग्स हैं या उसके कोई अप्रेल्स हैं, तो अपैरल्स के अंदर अगर आज उसमें भी हैं, फुटवेयर्स हैं उसमें भी है, ज्वेलरी है, मेकअप किट्स हैं, अगर आप उसके अंदर आते हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू डिवेलप ए कम्प्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्रोडक्ट के, उसका थीम क्या होगा, कलर कॉम्बिनेशन कौन से हम इस्तेमाल करेंगे,
किस मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं, किनको ये सेल करना है, बूढ़े लोग खरीदेंगे कि जवान खरीदेंगे, जवानों में कौन सा कलर पॉपुलर है, इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, किन लोगों को हमने बेचना है, अमीर लोगों को बेचना है, गरीब लोगों को बेचना है, मिडिल क्लास को बेचना है, फिर आपके पास पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। तो ये आपका एक बिग आइडिया कहलाता है कि व्हाट इज योर बिग आइडिया। बिग आइडिया इज दैट आई वांट टू गो इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड, वो आपने डिफाइन कर ली, नंबर वन। नंबर टू, आप मार्केट एनालिसिस करते हैं, नीड एनालिसिस, मार्केट में इसकी जरूरत है या नहीं है, है तो कितनी है, कितनी खपत है। ये ना हो कि मार्केट में जरूरत 10 आर्टिकल्स की और मैं 20 आर्टिकल्स बना तो बाकी के 10 मेरे नुकसान में जाएगी, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि उसकी कमर्शलाइजेशन, आप उसको, आपका आइडिया बहुत अच्छा आ गया, क्रिएटिव आइडिया, इनोवेटिव आइडिया है, आपने उसके अंदर मार्केट गैप भी आइडेंटिफाई कर लिया आफ्टर डूइंग द मार्केट रिसर्च एंड ऑल दैट। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है उसका कमर्शलाइजेशन, कि आप उसको कमर्शलाइज कैसे करेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल है, कितनी रेगुलर इनकम आपको उसके साथ आ सकती है, और किन किन एरियाज में आपने अपनी मार्केट को डिवाइड किया है, जियोग्राफिकली किया है, डेमोग्राफिकली किया है, ये सारी चीज़ें उसका एक स्टेप आ जाता है। अच्छा, जो चौथा स्टेप है वो ये है कि आप उसका प्रॉपर वर्किंग मॉडल बनाते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से हमने बात की थी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बड़े बड़े जो काम होते हैं तो छोटे छोटे कामों में तकसीम करते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट बनाते हैं और फिर हम लोगों को हायर करते हैं उसके ऊपर और उसे कहते हैं कि वो काम करें। और जो लास्ट स्टेप है वो ये होता है कि हम एक एग्जिट स्ट्रेटजी, जिसको कॉन्टीजेंसी प्लान कहते हैं, वो बनाते हैं और उसको फिर हम एक्सपीडाइट करते हैं, खुदा न खास्ता इवन इफ द आईटी इज क्रिएटिव, इवन इफ यू हैव ऑल द स्टैटिस्टिक्स एंड द रिलेटेड स्टफ विद योर सेल, बट सम टाइम खुदा न खास्ता इफ डजंट वर्क तो आपको बाहर कैसे निकलना है। सो द एग्जिट स्ट्रेटजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको स्टार्ट ऑफ बिजनेस में ही डिफाइन कर लेनी चाहिए, जिससे आपको कम से कम नुकसान हो और आप उससे निकल भी आए। ओके, नो प्रॉब्लम शाजिर, मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया, आपको पता लग गया कि आपने उसको कैसे करना है। तो ये वो मेन आइडियाज है, ये जो जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड्स लोकली और इंटरनेशनली भी इवन वो आप देखती हैं, तो वो आपको इन्हीं स्टेप्स में से निकलते हुए नजर आते हैं। मसला ये होता है सिर्फ कि जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो हम लोग हैपहैज़र्डली बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, एक तो भेड़ चाल होती है हमारे यहाँ। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, क्योंकि आई हैव माई ओन बिजनेसेस ऑल्सो, तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप उसमें से सीखें ताकि आप लोग भी अच्छा बिजनेस कर सकें। तो होता यूँ है कि हम लोग भेड़ चाल में होते हैं, हमें किसी दोस्त इन्फ्लुएंस कर देता है कि जी उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दो या उस वो वाला काम शुरू कर दो, उसमें बड़े पैसे हैं। भाई बड़े पैसे से क्या मुराद है, क्या परसेंटेज है उसकी, ROI निकाल दें, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उसका कितना, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी आप निकालें, आपके पास कोई सेटअप है, आपको चला चला सेटअप मिल रहा है तो उसको भी आप इवेल्युएट करें, देखें कितने का पड़ रहा है आपको। उसके बाद आप प्रोजेक्शंस निकालें कि आपने, अच्छा कि आपने मुस्तकबिल में उसको आपने कैसे लेकर चलना है, आपने उससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना बिजनेस जनरेट करना है, वो बिजनेस की लाइफ कितनी है, 1 साल चलाना है, 5 साल चलाना है, 10 साल चलाना है। अच्छा, 10 साल के बाद आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन होनी चाहिए, आपके पास कितने पैसे आ जाने चाहिए, आपके पास कितने फिक्स एसेट्स होने चाहिए, कितने करंट एसेट्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके चलें तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। नंबर वन, एक तो ये भेड़ चाल में नहीं जाना कि दोस्त ने कह दिया कि जैसे बड़े पैसे तो वो कारोबार शुरू करिए। तो दूसरा सवाल ये पैदा होता है, फिर हम कौन सा कारोबार करें, अगर दोस्त के मशवरे अमल नहीं करना और कुछ नहीं करना, जैसे मैं मना कर रहा हूँ आपको ऐसा नहीं करना, तो फिर हम सर कौन सा कारोबार करें। उसका सीधा सा जवाब ये है कि जिस कारोबार के बारे में आपको नॉलेज है आपने वो कारोबार करना है, ठीक है, जिस कारोबार के बारे में, जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज है आपने वो कारोबार करना है, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है वो कारोबार आपने नहीं करना, ठीक हो गया। अब होता क्या है, नौरीन काइंडली म्यूट करें बेटा इसको। अच्छा, तो अब होता यूँ है कि हम लोग जो कारोबार करती हैं उसके अंदर हम लोग ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जिस चीज़ का नॉलेज आपके पास ज़्यादा है आपको वही काम करना चाहिए, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप वो काम ना करें, और अगर करना है तो सबसे पहले प्रोडक्ट का नॉलेज हासिल करें कम्प्लीट, उसके बाद उस कारोबार को आगाज करें। ये दूसरी बड़ी जो आपको मैं बताने लगा हूँ मुसीबत, वो ये होती है कि एक तो आप भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं, दूसरा प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता पूरा और हम कारोबार को स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा ये होता है कि हमारी प्रोजेक्शन कोई नहीं होती,
अभी किसी चीज की जरूरत है, जैसे एयर कूलर है, गर्मियों में बिकेगा, सर्दियों में तो नहीं बिकेगा, तो सर्दियों में फिर क्या करोगे? क्या आपके पास उसका कोई प्लान है? अगर माल आपका सारा बिक गया, बड़ी अच्छी बात है, अगर कूलर ना बिका तो क्या करोगे? सर्दियों में तो नहीं बिकेगा, इसका मतलब वो अगले साल भी चले जाएगा। आपके पास इतनी होल्डिंग पावर है, फाइनेंशियल मसल आपका इतना स्ट्रांग है कि आप अगले सीजन तक वो सारे कूलर अपने पास गोदाम में रख के और फिर अगले सीजन में उसको बेचें? ये सारे क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑफ ए बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिजनेस करें तो वो सस्टेनेबल हो। कई दफा चीजें बड़ी अच्छी होती हैं, समझ में भी आ रही होती है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होती, यानी मुस्तकिल वो काम आप नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो ये आपने जरूर चीजें नोट करनी है। और नीड एनालिसिस बहुत जरूरी है, उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं पाकिस्तान में कि जो कि काम करती हैं, नीड एनालिसिस आपको करके देती हैं, तो उसकी वो फीसें भी बड़ी बड़ी भारी चार्ज करती हैं। अगर आप अपने एंड टू काम शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आप, जरूरी नहीं है कि आप उनकी तरफ जाएं, आप खुद से भी नीड एनालिसिस कर सकती हैं। मार्केट इंटेलिजेंस, दुकानों पे जाकर देखना, मार्केट को पूछना, कस्टमर को पूछना, ऑनलाइन चेक करना किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड आ रही है, उसके अंदर आप इंटरेस्ट लें, उसके बारे में नॉलेज लेकर तो उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है, इसी तरह से उसके अंदर इनोवेशन का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, शाहजेब कह रहे हैं कि सर एवरी प्रोडक्ट हैज़ ए लाइफ साइकिल टू सेल, सो वी कंटिन्यू आवर प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन इन डिज़ाइन, एम राइट? यस एग्जैक्टली, ब्रिंग द इनोवेशंस, ठीक है, ब्रिंग द इनोवेशंस इन योर प्रोडक्ट, इट विल मेक इट मोर सस्टेनेबल एज कम्पेयर टू द नेचुरल लाइफ साइकिल, PLC जिसको आप कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसके अंदर पहले वो शुरू में इनिशिएट होता है, फिर वो ऊपर ग्रो करता है, फिर वो मेच्योर होता है, और उसके बाद डिक्लाइन होता है। तो आप उसको जब वो मेच्योर होता है, तो मेच्योरिटी के हद पे आप उसको रोक लें, इस हद तक रोक लें कि वहाँ पे ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सके, तो वो चलता रहेगा। कोका कोला आपने देखा है, कोका कोला एक ऐसा ब्रांड है जिसको 100 साल से ज़्यादा हो चुका है और वो अभी भी चल रहा है। क्यों? वो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ आते रहे। कोका कोला ने साथ में अपने जो है ना स्प्राइट बना ली, और उन्होंने वो एक येलो कलर की जो है वो भी बना ली ड्रिंक, फिर उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन कर दी, पेट बॉटल्स भी हैं, ग्लास बॉटल्स भी हैं, 1.5 लीटर, 1 लीटर, और पूरी दुनिया में उनके स्टैंडर्डाइजेशन है कि एक ही तरह का कार्बोनेटेड ड्रिंक पूरी दुनिया में सेल हो रहा है। अगर उनकी लाइफ 100 साल से ज़्यादा हो सकती है, तो बाकी प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट की लाइफ कम होती है, एडिबल प्रोडक्ट्स की लाइफ ज़्यादा होती है। लोकल ब्रांड्स के अंदर आप एग्जाम्पल ले लें, कूजी हलीम है। अब वो कूजी हलीम जो है वो कितने अच्छे से चली जा रहा है, तो लोग अभी भी खाते हैं अपने शौक से जाकर, लोकल ब्रांड है, तो क्योंकि वो एडिबल्स में आ गए, तो वो इट विल सस्टेन, ऑल बिकॉज ऑफ वन रीजन कि उनका जो टेस्ट है वो अब भी वही है जो आज से 50 साल पहले था। ठीक हो गया, यस। अच्छा, ये जो एडिबल्स होती है यानी खाने पीने की चीजें, क्योंकि ये इंसानी जिंदगी में चलती आ रही है। दूसरी चीज जिससे ज्यादा लाइफ होती है वो होती है पहनने की चीजें, कपड़ा है, इसके अंदर क्या इनोवेशन आ जाएगी? जरा उसकी क्वालिटीज और आ जाएंगी, वैरायटीज आ जाएंगी, प्रिंट्स और आ जाएंगे, लेकिन इंसानी जरूरत तो रहेगी। तो ऐसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल भी बहुत ज्यादा होती है, खाने पीने की चीजों की लाइफ बहुत ज्यादा होती है। ठीक हो गया। अच्छा, सर्विसेज में आ जाए तो आपने देखा है कि बार्बर शॉप्स कभी खत्म हुई है? जी नहीं, बार्बर शॉप चल रही, वो तो बिजनेस है, तो बाल बढ़ेंगे ही लोगों के, वो कटवाएंगे कटवाएंगे और वो चलेंगे, कपड़े नए बनेंगे ही बनेंगे, तो दर्जियों का काम भी चलेगा, जो कपड़ा सेल कर रहे हैं उनका काम भी चलेगा, पैंट शर्ट भी बिकेगी, लेडीज कपड़े भी बिकेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ ज्यादा होती है, ये ह्यूमन लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज में से तो ये चलता ही रहता है। जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है वो होती है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, फ्लॉपी डिस्क की कारोबार जो आज से 20 साल पहले लोग कर रहे थे, आजकल फ्लॉपी खत्म हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, नई चीजें आ गई। CD अब आपको शाजो नाज को यूज करता हुआ नजर आता होगा, लेकिन पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी। DVD उसके बाद आ गई, वो भी खत्म हो गई, उसके अंदर भी वो मामला अब खत्म हो चुके हैं। अब USB की बारी आ गई, इंटरनेट की और दूसरी चीजें आ गई, तो टेक्नोलॉजी जो शिफ्ट होती है वो बड़ी तेजी के साथ होती है, तो उसमें जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड गैजेट्स, तो अगर आप टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट का काम करना चाहते हैं, तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड ऑल द टाइम, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसी अगली चीज आए उसको पकड़ो, पिछली वाली को निकाल दो, खत्म करो उसको। तो टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट जो होती है उनका लाइफ साइकिल बहुत कम होता है और जो बेसिक नीड की होती है प्रोडक्ट्स उनका ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपने मेरी बात जेहन में रख दी। ठीक है, अब ब्रेड की कुछ कंपनीज हैं आपने देखी होगी, वो ब्रेड बिके चले जा रही है। हम छोटे छोटे से थे तब से देखते हैं नॉन ब्रेड बिक रही हो, आज भी बिक रही है, शिजान बिक रही है। तो ये क्या थी, बेसिक नेसेसिटीज थी, आज भी उसी तरह से वो बिक रही है, उसके अंदर आपने कोई तब्दीली नहीं देखी होगी। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी लाइफ ज्यादा होती है, तो कोको कोला इज वन ऑफ देम, वो एडिबल चीज है, उसकी लाइफ भी ज्यादा है। और जो के टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें हैं उनकी लाइफ कम है। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, अब आपको टीवी नजर नहीं आएंगे, आपको LEDs नजर आएंगी, LCDs नजर आएंगी। तो देर इज ए शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी, तो पिछली वाली चीजें आउटडेटेड होगी, अब उनको कोई खरीदने वाला ही नहीं। ठीक है, नौरीन पूछती है कि सर अगर हम क्लोथिंग ब्रांड्स खोले तो हम कैसे लोगों का इंटरेस्ट अपने ब्रांड की तरफ करें। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप एक ब्रांड बनाए, ठीक है, फिर आपने जिस प्रोडक्ट लाइन में काम करना है वो लाइन डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल अगर फीमेल गार्मेंट्स में काम हो रहा है तो फीमेल में, कैजुअल में है या पार्टी ड्रेस में है या ब्राइडल में है, वो आपने डिफाइन करना है। अगर कैजुअल में आ रही है तो फिर आपने उसके अंदर ट्राउजर्स और कुर्ते या इस तरह की चीज़ें करनी है, स्काफ करनी है, वो आप आइडेंटिफाई कर लें। अच्छा, वो आपने कर लिया, उसके बाद आप उसका स्टफ जो है उसको देख लें, समर कलेक्शन विंटर कलेक्शन वो बनाएं और उसके बाद प्रॉपरली उसको शुरू करें। अब हमारी लाइन डिफाइन होगी, प्रोडक्ट हमारी डिफाइन होगी, अब हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ है जिसको कहते हैं IADA। पहले हम लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ करते हैं, वो कैसे करते हैं, उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं मार्केटिंग की। टीजर्स चलाते हैं, समथिंग बिग इज कमिंग, समथिंग सरप्राइजिंग इज कमिंग, देन पीपल विल स्टार्ट टू आस्क अबाउट इट। ठीक है, क्यूरियस हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ आ रही है। ये एक स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, आप कोई एक सादा सी प्रोडक्ट स्टार्ट शुरू कर दें, उसका ब्रांड पर्सनैलिटी उसकी अच्छी बनाएं, लोगो उसका अच्छा हो, कलर कॉम्बिनेशन, वेबसाइट, फेसबुक पेज उसका बहुत अच्छा हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बूस्ट करना शुरू कर दें और आप देखिए कि आपके पास कैसे रिजल्ट आता है। फिर उसमें मजीद आर्टिकल्स वन बाय वन ऐड करते चले जाएं, तो लोगों का ध्यान खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि आपने उनको अट्रैक्ट करना है, ए आई उनका इंटरेस्ट पैदा करना है कि वो उसके अंदर इंटरेस्ट ले, डी डिज़ायर, अब उनको उसके अंदर खरीदने की डिज़ायर पैदा होनी चाहिए। वो कब होगी, जब आप उनको ये आइडेंटिफाई करेंगे, ये उनको बतलाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी ज़रूरत है, ये आपको खरीदनी ही चाहिए, इसके बगैर आपकी पर्सनैलिटी नामुकम्मल है, तो वो फिर आपके उस प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट भी लेंगे, उसको उसके डिज़ायर भी करेंगे और फिर वो एक्वायर भी करेंगे। ए स्टैंड फॉर एक्वायर, तो AIDA मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद भी रहे। ठीक है, तो फिर वो उसको एक्वायर करेंगे। डन हो गया नौरीन? नौरीन आप पूछ रही हैं और प्राइस मार्केट प्राइस से कम होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आप अपना ब्रांड महंगा रखें, महंगा प्रोडक्ट है, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप प्रीमियम प्राइस चार्ज करें। मार्केट में हर किस्म का बायर मौजूद होता है, बाद लोग सस्ती चीज़ जानबूझ के नहीं खरीदते, वो कहते हैं नहीं नहीं यार ये हमने नहीं खरीदनी, इसकी क्वालिटी डाउन ही होगी क्योंकि ये सस्ती है। और महंगी वाली बेशक सेम ही क्वालिटी की, वो शौक से महंगी वाली खरीदेंगे कि नहीं देखो इतने पैसे हैं तो कोई ना कोई वजह तो होगी। तो वो लोग ऐसे जैसे प्राइस कॉन्शियस नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि आप बिलो द प्राइस बेचें, आप अबव द लाइन भी बेच सकते हैं। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही। तो ये आर्डा इन्होंने लिख भी दिया है, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, मैंने भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। तो अब इस तरह से आपने उसको ऐडा को अपना आपने इम्प्लीमेंट करना है ऑन योर ओन ब्रांड। सो इट्स नॉट नेसेसरी टू ऑफर अ लोअर प्राइस एज कम्पेयर टू द मार्केट प्राइसेस, इट विल नॉट इंक्रीज योर सेल्स। सेल इंक्रीज तब होगी जब लोगों को ब्रांड याद होगा, दैट्स इट। जब उनको याद होगा कि नौरीन अली सिद्दीकी साहिबा ने एक ब्रांड लॉन्च किया है विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, उसका कलर्स बहुत अच्छे, उसका प्रिंट बहुत अच्छा है, उसके डिज़ाइंस बहुत अच्छी हैं, उनकी डिलीवरी टाइमिंग्स बहुत अच्छी हैं और वो कमिटमेंट उनकी बहुत अच्छी है और ये एक रिलायबल ब्रांड है, देन इट विल गो वायरल। वो आप बहुत अच्छे तरीके से आप उसको सेल कर सकती हैं और मैसेज को टारगेट कर सकती हैं, पूरा पाकिस्तान आपका एक टारगेट में आ जाएगा। और अगर आप उसको अच्छे से पूरा कर लेते हैं देन गो बियॉन्ड
मार्केट एज वेल, यू कैन गो टू द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। ठीक हो गया जनाब, इंशाल्लाह ठीक हो गया। शाहजेब ने उसको लहदा लहदा करके लिख भी दिया, थैंक यू शाहजेब, और बहुत अच्छा। नौरीन ने भी उसको लिया। आप लोग अपना ब्रांड वगैरह चलाएं, मेहनत करें, थोड़े से उसके बारे में पढ़ें, और अगर आप लोग समझते हैं कि एक और हम सेशन रखें जिसके अंदर आप मजीद इसी तरह के रेलिवेंट और बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आप पूछें, तो बहुत खुशी होगी मुझे, मैं आपको गाइड करूंगा। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं सर, आई हैव विश टू बिकम बेस्ट एंटरप्रेन्योर, प्लीज गाइड मी हाउ टू स्टार्ट एंड फॉलो द प्रोसेस एट द स्टार्ट। अच्छा, बेस्ट एंटरप्रेन्योर आप बने, उसके लिए सबसे पहले आपको बिजनेस को पढ़ना चाहिए, ठीक है, कि बिजनेस होता क्या है। एक एंटिटी बनाए अपने जहन में कि मैंने ये बिजनेस करना है, उस बिजनेस के मुतालिक पढ़े, प्रोडक्ट के मुतालिक पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, अप टू डेट रहे, और फिर रिसर्च करें। जितनी अच्छी रिसर्च करेंगे उतने सक्सेसफुल आप होते चले जाएंगे। जो चीज़ें लोगों ने एक्सपीरियंस करने के बाद सीखनी, आप लोगों के तजुर्बों से फ़ायदा लें और उनको पढ़ें, उनको देखें, और फिर आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप खुद तजर्बात करके सीखेंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा और नुकसान भी होगा, तो लोगों के तजर्बात से सीखने की कोशिश करें, और इसी तरह से आप इंशाल्लाह बेस्ट एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं जी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? अम्ब्रीन ने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो गया। अभी और कोई सवाल है तो बताएं, फिर हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम दोबारा इसको कभी दोबारा सेशन रखेंगे और फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे और उसको आंसर करेंगे। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। Thank you.